स्टूडेंट्स तो आज आम गोटे नुआ इलेक्ट्रिकल जॉब स्टार्ट करिबा। तो जो जॉब रो ना हूँ कौन ना स्किनिंग ऑफ केबल एंड्स। तो आम केबल रो एंड कौन कमी स्किनिंग करिबा बस गोटे छोट वेयर जो वेयर की आमर सिंगल स्ट्रैंड रो वेयर तो से वेयर को आम कमी स्किनिंग करिया से जॉब जानिबा। तो स्टूडेंट्स आज तो प्राय तो तुम्हें आज हूँ जो मैंने आई टी आई भी कर फास्ट जब है आई टी आई टेक्निकल जॉब स्टार्ट तुम आज ठार। तो यही जो इलेक्ट्रिकल जॉब जिते सब अच्छी पर जॉब सब जानव मानने जॉइंट हो कि इलेक्ट्रिकल जिते सब आगे से जॉब जानव कितु आज तुम फास्ट जॉब हूँ कौन ना कमी गोटे वेयर को आम कमी स्क्रीनिंग करवा विभिन्न प्रकार डिफरेन्ट वे रे आम कमी स्क्रीनिंग करवा। तो कौन हो जब रमर पर्टिकुलर जब रहा हूँ कौन ना टू प्रैक्टिस स्क्रीनिंग द इन्सुलेसन अफ ए केबुल यूजिंग कटर है। तो कटर बाय यूजिंग कटर बाय यूजिंग प्लायर बाय यूजिंग इलेक्ट्रीसीयन नाइफ आम तीन टा जिन बर्तन अच्छी गोटे अच्छी कटर अच्छी गोटे प्लायर अच्छी गोटे इलेक्ट्रीसीयन नाइफ अच्छी है तीन टा जिन अच्छी स्टूडेंट्स। तो आम ये बर्तन कौन करवा आम गोटे सिंगल स्ट्रैंड तार टाक आम कमी स्क्रीनिंग करवा। तो यहाँ गोटे सिंपली जॉब ए जॉब मैंने जस्ट तुम टेक्निकल पाठ पढ़वार फास्ट स्टेज रु जॉब टा स्टार्ट हुए। तो यहाँ एमती किसी क्रिटिकल जॉब ना जस्ट गोटे सिंपली जॉब जो समस्त भी काटि पार ये तो किसी ना जस्ट आम कमी काटा ना फास्ट आम कौन करवा गोटे देख आम पाखे गोटे वेयर अच्छी जोटा कि सिंगल स्ट्रैंड वेयर है सिंगल स्ट्रैंड वेयर अच्छी वेयर टाक आम कौन करवा ना आगे आम कौन करवा ना आदि 200 mm रोटे आम डायमीटर नहीं गल जेहेतु आमर टेक्निकल वे तो आमको सेठी डायमीटर मापी मापी चुपी केम रो कटिंग दरकार है। तो गोटे आम 200 mm रोटे तार ने 200 mm रोटे तार आम बर्तन ने बुझिपार कि 200 mm तार ने तो आम कहीं मापिले तार तो आम सीना बर्तमान आम हूँ तो गोटे सिंपली गोटे खाली स्क्रीनिंग करदे तो किसी जास ना कि यही सिंगल स्ट्रैंड तार आम जेकोसी जगह गोटे कंपनी रो जो जगह आम गोटे लगे आम के स्क्रीनिंग करा आवश्यक अच्छे जब आम ओभर स्क्रीनिंग करा कौन हम तार बेकार नष्ट हे से खराब ये सृष्टि कर जो जगह आम जॉइंट कर जॉइंटा बहुत असुंदर देखा हे से आम जो जी आम स्क्रीनिंग कर आवश्यक अच्छी से स्क्रीनिंग करवा। तो आम 200 mm रे तुम बर्तन जो जॉब टी बर्तन आमको बही अनुसार आम देखा तो सी आम देखिए 200 mm तारू आम 50 mm कौन करवा स्क्रीनिंग करवा कौन करवा 50 mm स्क्रीनिंग करवा। तो आम बर्तन स्केल आम कथा अच्छी आम बर्तन 50 mm मापीदे तो आम बर्तन ये 50 mm है तो तार आम 50 mm है जोटी 50 mm है तो आम से गोटे धर चिन्ह देते ये 50 mm। तो आमको गोटे जब दिगला जोटा सिंपली जब प्रथम जब स्टार्ट होती जेहतु आई टी आई रो से जगह कौन कराला ना आमको 50 mm स्क्रीनिंग करा तार देने से 50 mm स्क्रीनिंग करवा जो थी कि 45 mm रोक कौन आम ना वेयर रोक 5 mm पेनसिल कट रेनसिल कट रोटे आम कौन स्क्रीनिंग करवा ना इलेक्ट्रीसीयन नाइफ कौन ये नाइफ ना हूँ इलेक्ट्रीसीयन नाइफ आम इलेक्ट्रिकल नाइफ रे कौन करवा ना देख आम बर्तन मुझे मापी देखा बड़ा 50 mm। तो 50 mm रू देख तार को जो धरवा तो देख आम ये आंगेल धरले और नाइफ टे आंगेल धरले है नाइफ टे आंगेल धरले धरला आम जेहतु आम बर्तन मापीचे ये 50 आम कौन करा ना 45 mm रू आम पेनसिल कट कर तार स्क्रीनिंग करा। तो आम 45 mm तार स्क्रीनिंग रोक 5 mm पेनसिल कट रुझिपारे ना ना तो देख बर्तन आम जो भी ये कर देख नाइफ टाक एम धरल तो आमर ये तो वेयर टाक ये हिसाब से धरल है जब ये एमती धरवा हूँ तो आम हाथ कटार चान्सेस कारण ये बहुत दाड़ुआ छुरी फास्ट तुम जब कर जेहतु धरला देख यही आंगेल धरिकी एम स्क्रीनिंगटा कर देख हाथ तार हाथ बाटर रहा तार 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 बाटर बुझिपार ना ना हाथ सहित तार किसी कनेक्ट ना सेकेंड रमती एमती स्क्रीनिंग कल है बस देख मापीदे आम कथ रहा 45 mm स्क्रीनिंग है 5 mm पेनसिल कट रहा तो आम वेयर टाक आम कौन कले नाइफ जो आम स्क्रीनिंग करवा यही आंगेल जो तार धरिया प्राय आंगेल धरिक हिसाब से तार स्क्रीनिंग करा जहाँ फल कौन हम आम हाथ में कौन हजार हमारे चान्स ना आमको कटिंग कटिकाटी जबार चान्स ना यही हिसाब से आम कौन करे गोटे तार आम नाइफ रे स्क्रीनिंग कर तो आम कहीं हिसाब से जब एम करा तार एमती काटा हूँ तो आम हाथ में बाजी जाए कि काटा बेले एम काटा आम हाथ में बाजी जाए तो से स्क्रीनिंग कर यही हिसाब से नाइफ टे धरव एम धरिक स्क्रीनिंगा कर बुझा ना ये गोटे गला कहते हैं इलेक्ट्रीसीयन नाइफ रे स्क्रीनिंग कराए आम कहते कौन ना आउ गए तार आम आने तो यहाँ इलेक्ट्रीसीयन नाइफ रे स्क्रीनिंग कले
ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ କଟିଂ ପ୍ଲାୟର ଯୋଉଟା କି ଆମର ୱେୟାର କଟିଂ ପ୍ଲାୟର ହେଲା ୱେୟାର କଟିଂ ପ୍ଲାୟରରେ ଆମେ କେମିତି ତାରଟାକୁ ସ୍କିନିଂ କରିବା ତ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ 200 mm ତାର ନେଇଗଲେ ହେଲା 200 mm ତାର ନେଲେ ତାକୁ କଟିଂ କରିଦେଲେ କଟିଂ କଲା ପରେ ତ ଏ ତାରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍କିନିଂ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ସାଇଡ୍ ମାନେ ଆମର କଟିଂ ପ୍ଲାୟର ହେଲା ୱେୟାର କଟିଂ ପ୍ଲାୟର ହେଲା ସେ ୱେୟାର କଟିଂ ପ୍ଲାୟରରେ କଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ 45 mm କଟିଂ କରେ ଏଥିରେ ପେନ୍ସିଲ କଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲେ ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି କଟିଂ ହବ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ୱେୟାର କଟିଂ ପ୍ଲାୟର ଦେଖ ଏକର ସେକର ଦିଟା ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଏ ହଁ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ ନା ତାରଟାକୁ ଆମେ ରଖିବ ହେଲା ଦେଖ ତାରଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରଖିଲେ 45 mm ଆମର ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଇଠି ରଖିଲେ ଏମିତି ତାରଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଇଏ କରିଦେ ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାଇଁ କଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ଏଟାକୁ ଭିଡ଼ିଦେବେ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାରଟା ଆମର ବାହାରିଗଲା ଆରାମରେ ତାର ବାହାରିଲା ତାର କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା କି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲାନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରୁଛେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କଣ କରିବ ପ୍ରେସରରେ ଟିକେ ଟିକେ କଟିଂ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବ ତ ଆମର ଆରାମରେ ସାଇଜ କଟିଂ ପ୍ଲାୟର କଟିଗଲା ମାନେ ଆମର କଟିଂ ପ୍ଲାୟରରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଦେଖ ଏକରପଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧରିଲ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେସର କଲ ହେଲା ପ୍ରେସର କଲା ପରେ ତାରଟାକୁ ଏମିତି ଧରିଲ ସ୍କିନିଂ କଲ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉ 45 mm ସ୍କିନିଂ କରିବାର ସ୍କିନିଂ କଲ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆରାମରେ ଆମର ତାରଟା ଇନ୍ସୁଲେଟର କଟିଂ ହେଇଗଲା ଇଏ ବରେ କଟିଂ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କଣ ଆମେ କେମିତି କଟର ପ୍ଲାୟର କଟିଂ ପ୍ଲାୟରରେ ଆମେ ତାରଟା ଆମେ କଟିଂ କରୁଛୁ ସରିଗଲା ଥାର୍ଡରେ ଆମେ କଣ ହେଲା ନା ଆମ କଥା ହେଲା ପ୍ଲାୟର କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟର ହେଲା କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟର ଆମେ କେମିତି କଟିଂ କରିପାରିବା ତ କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟର ଆମେ କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍କ ଆଗରେ ହେଇପାରୁଛି ୱେୟାର କଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟର କଣ ପାଇଁ କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ମନେକର ଆମ କଥା ଏଦିଟା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟର କେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖ ଆମ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ୱେୟାର ଗୋଟେ ଅଛି କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟର ଏଇ ଯୋଉ କଟିଂ ଲେଦ ଅଛି ଏ କଟିଂ ଲେଦ କତିରେ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରଟାକୁ କଟିଂ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟରରେ ତାର କାଟିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ କଟିଂ ପ୍ଲାୟର ନା ଲାଇଫରେ କାଟିବା କଥା ଯଦି ବି ଆମ ଯଦି କଣ କମ୍ବିନେସନ ପ୍ଲାୟର ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ସେଫ୍ଟିଲି ବି କାଟି ଚାହିଁଲେ କାଟିପାରିବା ହେଲା ତ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରଟାକୁ ଯେମିତି ଇଏ କଲା ପରେ ସେ କଟିଂ ଲେଦରେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ତାପରେ ଟିକେ ଆମର କଣ ହେଲା ତାର ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତ ଏଇ କଟିଂ ଲେନ୍ଥରେ ଆମେ ସାଇଡ୍ କଟିଂ କରି କାଟିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଦେଖ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ନାଇଫ୍ ପ୍ଲାୟର ଏବଂ କଟର ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ତାରକୁ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ କଟିଂ କରିଥାଉ ତ ଆଗକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ତାର କଟିଂ କରିବ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ କଟିଂ କଲେ ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜବ୍ ଟି ଥିଲା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ ତ ହାଉ ଟୁ କଟିଂ ୱେୟାର ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ୱେୟାର ତ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ୱେୟାର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ୱେୟାର ହଉ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ କଟିଂ କଲେ କିଛି ହାଜାର ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବା ଆମର ଯେତିକି mm ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ କଟିଂ ହବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ITI ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କତିକି ସେୟାର କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।